सब्सक्राइब करो पंजाबी रील टीवी ट्रेलविन अप द नप द। हेलो जी, माय नेम इज अमित सिंह एंड यू आर वाचिंग योर पंजाबी रील टीवी। सो आज एक होर तरह की रिएक्शन वीडियो तुहाडे अगे पेश कर लता ते इहदे विच अज आपां देखांगे कि की सिंबल्स ने पाकिस्तान दे विच मतलब कि टॉप 9 नेशनल थिंग्स एंड सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान। ओके, टॉप 9, ठीक है। सो इहदे विच देखदे हां कि केड़ियां ओह चीज़ां जिहड़ियां मतलब फेमस ने जो नैशनल ने ते जिन्हां दी एक वैल्यू है एक इंपोर्टेंस है ना, वो अज्ज आपां तुहाडे नाल देखांगे। ते उस तों पहलां अपने चैनल नूं करो सबसक्राइब, जिहड़े बंदे नवें आ गए जिहड़े पुराने आ वो हुणे लाइक ठोक दो ते कमेंट छड़ दो जिहड़ा भी छड़ना तुसीं, क्योंकि तुसीं सारे जणे सानूं इन्ना प्यार करदे आ, तुहाडा तहे दिल तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो इदां ही अपने चैनल नूं प्यार करदे रहो ते प्लीज़ सबसक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। सो हुण आपां करदे आ वीडियो शुरू, क्योंकि इस चैनल पर आप पाकिस्तान एक्सप्लोर करते हैं, पाकिस्तान के कल्चर नूं, पाकिस्तान दी थावां नूं, पाकिस्तान दी चीज़ां नूं अपन देखने की समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो हालात है उन्होंने थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं भी साढ़े थ्रू थोड़े जे की पता कई लोगों की सोच बदली होगी। अपन 2 साल हो चले चैनल में चलाते तो होप्स हो कि किसी ना किसी का माइंड चेंज होया होना पाकिस्तान की इमेज नूं लैके। सो क्योंकि सोशल मीडिया के बड़े लोग जो आपस में लड़ाइया झगड़े करते रहते हैं, सो मेरे ख्याल उन्होंने जी सोच में चेंज कर थोड़ा जा एक जी कोशिश है असं आपका योगदान पाने वे। सो होप सो कि तुम इस चीज़ को एप्रीशिएट करोगे। सो वीडियो करने शुरू बिना किसी देर दे, लेट गेट स्टार्ट। ने बचपन से किताबों में पढ़ा है कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी और कौमी फूल चंबेली है, लेकिन क्या आपको मालूम है और भी बहुत सी दिलचस्प चीजें ऐसी हैं जिन्हें पाकिस्तान में कौमी चीजों और निशानात का दर्जा दिया जाता है। आज मैं आपको ऐसी ही 9 कौमी चीजों के बारे में बताऊंगा जो यकीनन आपके लिए दिलचस्प होंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, इन चीजों में से 8th वन मेरी फेवरेट है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपकी फेवरेट कौन सी है। ठीक है, नंबर 1, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है, मल खाते लंबे सींग इसकी पहचान है। मारखोर दरअसल एक जंगली बकरी है। मारखोर फारसी का लफ्ज है, मार का मतलब सांप और खोर का मतलब खाने के हैं। मारखोर से मुराद सांपों को मार के खाने वाले जानवर के हैं। मारखोर पाकिस्तान के शिमाली इलाकों की संगलाख चट्टानों पर पाया जाता है। मारखोर का शिकार करने वाले शिकारी को बाहर शिकारी तस्वीर करते हैं। आपके लिए ये मालूमात दिलचस्प होंगी कि ISI के लोगों में भी मारखोर को इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2, नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। चकोर तीतर से थोड़ा बड़ा होता है और सुरमई रंग का होता है और इसकी चोंच सुर्ख होती है। चकोर पाकिस्तान के अलावा ईरान का भी कौमी परिंदा है। चकोर हिमालय के बुलंदोबाला पहाड़ों पर फैली हुई झाड़ियों और घास में अपना घोंसला बनाता है। आमतौर पर यह 2 से 4 हजार मीटर बुलंदी पे पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये 600 मीटर बुलंदी पे भी मिल जाता है। चकोर को चूंकि बारिश ज्यादा पसंद नहीं, इसलिए ये ऐसे पहाड़ी सिलसिलों में अपना घोंसला बनाता है जहां पे ज्यादा बारिश ना हो। नंबर 3, नेशनल जूस। शुगर केन जूस यानी गन्ने का जूस पाकिस्तान का कौमी जूस है। गन्ने के जूस को पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है और इसे आम जबान में रॉ भी कहते हैं। पाकिस्तान में गन्ना तकरीबन 10 लाख एकड़ पर काश्त किया जाता है और इसमें से तकरीबन 62% सिर्फ पंजाब में काश्त किया जाता है। गन्ने की बहुतात की वजह से गन्ने का जूस गली मोहल्लों में आसानी से दस्तयाब होता है। नंबर 4, नेशनल ट्री। पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार है। देवदार का दरख्त ईस्टर्न पाकिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान, कश्मीर, तिब्बत और वेस्टर्न नेपाल में पाया जाता है। यह दरख्त 1500 से 3200 मीटर की बुलंदी पे पाया जाता है। देवदार एक सदाबहार दरख्त है। देवदार एक कादावर दरख्त है और इसकी लंबाई आमतौर पर 40 से 50 मीटर होती है। नंबर 5, नेशनल फिश। पाकिस्तान की कौमी मछली मासीर है। पाकिस्तान में तकरीबन 531 इकसाम की मछलियां पाई जाती हैं, जिनमें 233 इकसाम ताजा पानी में पाई जाती हैं। गोल्डन मासीर पाकिस्तान की कौमी मछली है। मासीर पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडियन पेंसिल्वेनिया में पाई जाती है। नंबर 6, नेशनल फ्रूट। पाकिस्तान का कौमी फल आम है। पाकिस्तानी आम दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान में आम की मुख्तलिफ और बेशबहा इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें सिंदरी, चौसा, लंगड़ा, दशहरी और अनवर टोल वगैरह हैं।
नाम की नहीं सोच के रखे ना, चौसा लंगड़ा। पाकिस्तान का शिकार करने वाला कौमी जानवर स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड हिमालय और सेंट्रल एशिया के बर्फ से ढके हुए बुलंदों वाला पहाड़ों पर पाया जाता है। ये आमतौर पर 3,000 से 4,000 मीटर बुलंदी पे पाया जाता है। पाकिस्तान में गिलगित हिंदुकश, कराकरम रीजन, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में पाया जाता है। पाकिस्तान में इनकी तादाद 200 से लेकर तकरीबन 420 तक है। This is my favorite one. Number 8, National Sweet. आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की कौमी मिठाई गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन को हाल ही में पाकिस्तान की कौमी मिठाई का दर्जा दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में एक सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान की नेशनल मिठाई क्या होनी चाहिए, जिसमें जलेबी को 34%, बर्फी को 17% और गुलाब जामुन को 47% वोट हासिल हुए थे। इस वोटिंग में तकरीबन 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। नंबर 9, नेशनल रेप्टाइल। पाकिस्तान में रेप्टाइल्स की तकरीबन 170 के करीब स्पीशीज पाई जाती हैं। इनमें से इंडस क्रोकोडाइल पाकिस्तान का नेशनल रेप्टाइल है। इंडस रेप्टाइल को मगर क्रोकोडाइल, इंडियन क्रोकोडाइल और मार्श क्रोकोडाइल भी कहते हैं। ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है और पाकिस्तान में इंडस रिवर में पाया जाता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। व्यूअर्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, ओके सो ये सी आज दी वीडियो ने मेरे ख्याल बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से की अपने सारे दे लिए, क्योंकि मेनू भी ये चीजें नहीं पता सी। मेनू सिर्फ ये पता सी कि जो नेशनल एनिमल है वो मार्कोल है ना, ते जिद्दां बर्ड है ना ये चकोर दस्या है ना, ते उस तो बाद होर भी आप चीज़ा कई देखिया एंड सब तो जो मेरा फेवरेट रहा ना ये जिदा इन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि इन्हों का 8th नंबर वाला जो कि स्नो लैपर्ड से ना, तो मेरा जो सब तो फेवरेट पार्ट रहा इस वीडियो के अपना हाँ गुलाब जामुन। तो ये मतलब मैं ये चीज़ देखने अपन फनी लगती है कि यार नैशनल स्वीट भी है ना, मतलब लोगों ने यू नो वोट किया कि जलेबी नैशनल बनूगी कि बर्फी बनूगी, क्यों नहीं यार गुलाब जामुन बनूगी। सो ये देखने च फनी लगता ना, बट इट्स अ सीरियस थिंग, मतलब होनी चाहिए है यार, क्योंकि एक एक चीज़ होंगी ना जिदा हर एक देश की वो चीज़ होंगी है ना, तो वो चीज़ा मतलब मैटर कर दी, पर देखने फनी लगता ना बंद एक दूजे पुछते हैं तू वोट किनू पाई जलेबी कि बर्फी। एनीवेज गाइज, उस तो बाद गल करिए नैशनल फ्रूट की, तो वह आ जाता आम, मतलब कि अंब। सो उस नाम बड़े कि रखते लोग चौसा अंब, लंगड़ा अंब, केड़ा मार के होर पता नहीं केड़ा है ना। सो ये नाम पता नहीं कौन रख गया अपन, ये चीज़ा भी इन्होंने बारे भी एक वीडियो बननी चाहिए ना कि जो नाम है किने रखे से, कि सियाने ने कमलियां मारिया से भी ये चौसा अंब, लंगड़ा अंब, लंगड़ा क्यों भी ओदियाँ की लत्त है कि मतलब क्यों वाई। एनीवेज बट बहुत अच्छी लगी मैंने वीडियो, क्योंकि अज अपनी इनफॉर्मेशन के जो वादा होया एंड जिहड़ा एक मारखोर जानवर की गल की सी वो एक बकरी है एक्चुअली, तो मतलब देखने से लगता नहीं है कि वह एक बकरी होगी, वो जो सिंह आ तो लगता है कि एक मासाहारी एनिमल है ना, तो मतलब ये दसिया कि मारखोर का मतलब है मार मतलब सप, तो खोर मतलब खाण वाला, तो मतलब मा सप खाण वाला जो जानवर है वह ये वाला मारखोर बकरी। ISI के लोगो के भी यदा जरा इमेज बनी हुई है, मतलब उस लोगो के आइकन बनया हुआ। उस तो बाद होर भी बड़िया चीज़ा से नैशनल जूस हो गया, नैशनल फिश हो गई है ना, एंड नैशनल प्रीडेटर जिदा स्नो लेपर्ड देख लिया से अपना, तो एंड तो रैपटाइल भी सगा ना भी कहना सगा। सो एनीवेज बहुत अच्छी चीज़ा सी मेरे ख्याल टॉप 9 की गल की गई इन्होंने, एंड होर भी इदा के कई नैशनल नैशनल चीज़ें है जिन्होंने कौमी का खिताब मिलता भी ये साड़ी कौमी चीज़ है ना। सो मेरे ख्याल से यार मैं नैक्सट वीडियो भी चाहिए है, तुम्हें भी चाहिए कि नहीं नीचे कमेंट करके जरूर दस्यो, एंड तुसी दस्यो कि तुहाडी इन टॉप 9 थिंग्स दे विचों केड़ी चीज़ तुहाडी फेवरेट है, नीचे कमेंट करके मैं जरूर दस्यो जी, ता जो आपां पता लग सके कि यार पाकिस्तान वाले पाकिस्तान दी चीज़ां विचों केड़ी चीज़ नूं ज़्यादा इंपोर्टेंस दिंदे आ ते केड़ी चीज़ उन्हां दी मनपसंदीदा। सो मैनूं तुहाडी सोच विचार दा पता लगूगा नीचे कमेंट करके हुणे जरूर दस्यो, ते बाकी तुसी चाहुंदे हो कि असीं होर तुहाडी किसी रिएक्शन बनाईए तुहाडी किसी वीडियो ते, ते सानूं पंजाबी रील टीवी अपने इंस्टाग्राम दा हैंडल फॉलो करो जी, एंड रिक्वेस्ट भी कर सकदे हो, ते बिना किसी देरी दे हम वीडियो करेंगे खत्म। तुसी वीडियो में लाइक जरूर करना, तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना कितना जाओ, तो मैं भी लोगों किसी होर वीडियो में तद तक सू इजाजत, सत श्री अकाल, चक्की रखो इदा ही कम।